दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों अगर आप सीटेट 2020 को क्रैक करना चाहते हैं और वो भी सोच रहे हैं बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हुए, तो ये नामुमकिन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों के साथ तैयारी करना चाहते हैं और एक रिस्पेक्टेड स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस को सब्सक्राइब करिए ताकि प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर वन और पेपर टू आपसे मैं डिस्कस कर सकूं। तो आइए दोस्तों, दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ उनको लेकर के मैं सीडीपी का सेक्शन है जिसे आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेजेस, तो ये कौन सा है? तो दोस्तों इसमें अर्ली चाइल्डहुड इसका आंसर होगा, क्योंकि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो मानी जाती है वो अर्ली चाइल्डहुड होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय द लॉरेंस कोहलबर्ग, निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, सोशल कंटेक्ट ओरिएंटेशन है। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू द बॉयज देन द गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर बायस का उदाहरण है, इसे जेंडर पक्षपात में के अंतर्गत हम रखते हैं इसे। Which of the following is an effective strategy to the reduce children's gender stereotyping and the gender role conformity? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायस, ये है दोस्तों। Which of the following theorist while viewing children as active seeker of knowledge emphasized the influence of social and cultural content on their the thinking, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो बाइगोस्की। अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप जब भी सोशल की बात आए तो आप आंख मूंद करके बाइगोस्की पे लगा दीजिएगा, वो एकदम सही होगा। बाइगोस्की सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वाइल वर्किंग ऑन ए जिग सॉ पजल्स 5 years ओल्ड नजमा सेल्स टू हर सेल्स, वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन डार्कर वन डैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शो। जिग सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं वह वाला, वह यह बाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बाइगोस्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? तो इसे बाइगोस्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। गिविंग क्यू टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड वेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो ये एस्केप होल्डिंग होता है दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो संरक्षण, कक्षा समावेशन, तो इसमें कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्कीमा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी असेसमेंट
का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, अर्थात प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है? इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होता है। और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है यहाँ? तो रूही सृजनात्मक विचारक है, यहाँ क्रिएटिव थिंकर का रोल अदा कर रही है रूही इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर डैश इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेंस विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड। डिसलेक्सिया आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो डिसलेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम है, ये एक पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें डिसलेक्सिया कहते हैं। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेंस विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स द इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। वो रीड करने में असक्षम होते हैं, वो रीड नहीं कर पाते हैं, उन्हें समस्या होती है। पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेट इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस बात पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, ए राइट बेस्ड ह्यूमेनिस्टिक्स पर्सपेक्टिव है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क्स लर्निंग इज प्राइमरली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। किस पर है दोस्तों? अवबोधन की प्रक्रिया पर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मीनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रेंस कंस्ट्रक्ट अबाउट द वेरियस फेनोमेनन्स। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षित को क्या करना चाहिए? शुड बी चैलेंज्ड बाई प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा जो NCF 2005 है वो चाइल्ड सेंटर्ड पे बेस्ड है।
तो चाइल्ड सेंटर मतलब चाइल्ड को प्राइमरी माना जाता है और टीचर को सेकेंडरी, और चाइल्ड एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में। तो छात्र केंद्रित शिक्षण की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रेंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के एक्सपीरियंस को क्या करना है, प्रमुखता देना है। तो इसका आंसर टू होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इमोशन एंड कॉग्निशंस आर द इच अदर्स, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो ये सन्निहित है, इंटरवोवन विथ है, मतलब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे पे आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाई एक्टिव इंगेजमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद द क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, तो इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंजेस, ये एक इफेक्टिव वे होता है अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 22-23 देखते हैं दोस्तों, रिपीटेड आस्किंग चिल्ड्रेन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन ए रिवॉर्ड, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, डिक्रीज चिल्ड्रेन नेचुरल्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो इसका आंसर फोर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोऑपरेटिव टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्यूशन, कॉन्स्टेंट कंपेरेटिव इवेल्यूशन, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका आंसर सेकेंड और थर्ड होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, मतलब सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इज चिल्ड्रेंस, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज करता है? तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा को बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिसीजन डिस्कशन के थ्रू करता है, मतलब अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके अवधारणाओं की समझ को बच्चों में डेवलप करता है। ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार को से प्रोत्साहित करेगी? तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, एनकरेज चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट द रैपिड पेस, निम्नलिखित में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है, अर्थात इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड को माना जाता है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो आंसर है वो विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। बाकी ये जो तीन है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। बट डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएशन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रिया है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का सीडीपी का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। दोस्तों ये सोशलाइजेशन एजेंसी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो स्कूल एंड मीडिया है, बाकी जितने आप देख रहे हैं सारे प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। जैसे फैमिली एंड नेबरहुड है, ये प्राइमरी है। फैमिली एंड मीडिया है, ये भी प्राइमरी है। मीडिया एंड नेबरहुड है, ये प्राइमरी है। बट सेकेंडरी में सोशल एंड मीडिया है, स्कूल एंड मीडिया है, विद्यालय एवं मीडिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में आपसे डिस्कस कर पाऊँ।